छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल से गुजरात मॉडल काफी पीछे छूट गया है। वाराणसी में सरदार सेना द्वारा आयोजित जनहित संकल्प महारैली में रविवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महारैली में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर बरसे। वहीं सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उत्तर प्रदेश के केंद्र सरकार की कमियां गिनाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल से गुजरात मॉडल काफी पीछे छूट गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा किए जा रहे सारे कार्य महज एक छलावा है। छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल रविवार को वाराणसी के लोहता कोरोता मैदान में सरदार सेना की जनहित संकल्प महारैली को संबोधित कर रहे थे। वहीं सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एस पटेल ने कहा कि आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी हमारे SC ST OBC एवं अल्पसंख्यक समाज को वास्तविक अधिकार भागीदारी प्राप्त नहीं हो पाई है। कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो हमारे समाज की हालत बस से भी बदतर की जा रही है। वर्तमान योगी व मोदी सरकार ने हमारे अधिकारों पर डाका डाल दिया है। OBC आरक्षण लगभग समाप्ति की तरफ है। देश के सभी संवैधानिक पदों पर चपरासी से लेकर जज तक अधिकतर शोषकों के कब्जे में है। संविधान ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है। यह शोषक वर्ग अब आरक्षण, लोकतंत्र और संविधान समाप्त करना चाहता है। इसलिए भविष्य को गुलामी से बचाने के लिए एवं देश के सभी क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जनहित संकल्प महारैली का आयोजन किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। रैली का आयोजन हुआ था आज स्थापना दिवस उनका, और उनको बधाई। साथ ही सरदार पटेल जी ने जहां बारडोली में किसानों के रैली की थी, जिसके कारण से उस सरदार को उपाधि मिली थी, और देश के रियासतों को आज़ादी के बाद जो एकीकरण उन्होंने किया, इस कारण से लौह पुरुष के उपाधि दी जाती है। इसे बहुत सम्मान से हम लोग जानते हैं। और इन महापुरुषों ने, चाहे गांधी जी हों, चाहे पटेल जी हों, चाहे नेहरू जी हों, इन्होंने श्रम का सम्मान किया। चाहे वो मेहनत करने वाले किसान हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे हमारे जूते चप्पल बनाने वाले हमारे दलित भाई हों, चाहे बुनकर साथी हों, श्रम का सम्मान इन महापुरुषों ने किया। लेकिन आज यहाँ जो दिखाई दे रहा है, जो मेहनत कस है, तो उसे पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। और आज गुजरात से एक और व्यक्ति निकले हैं, जिसे जो लगातार लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और लगातार जुमले दे रहे हैं, तो सरदार पटेल की धरती से एक जुमलों का सरदार भी निकला है। और इस बात से लोग, उनके बातों से लोग परेशान भी हैं और सबक भी सिखाना चाहते हैं। तो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में निश्चित रूप से सबक सिखाया जाएगा। अच्छा, बिजली की राजनीति हो रही है।